हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को, जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं तो कैसा राम भक्त है। हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। वो लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है, वो लोग भी राम लिखे तब समझे कि राम के भक्त है। तो हम तो राम के सच्चा भक्त। देखिए, मांझी जी के लिए अयोध्या मंदिर है और इस देश के सभी जाति धर्मों के लिए मंदिर मस्जिद होता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो गया जिला की महान जनता है। बुरा न मानो, होली है। जी हाँ, होली है और होली की आपको बधाई हो। आप मेरा स्वरूप देखकर भी समझ गए होंगे कि होली है यहाँ पर। हालांकि होली इस बार दो दो दिन मनाया जा रहा है और चुनाव के मौसम में। जी हाँ, चुनावी बयार बह रही है, टिकटों का जो है फैसला हो रहा है। इस बीच तमाम चुनावी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। किसी की होली चटक हो जा रही है तो किसी का रंग फीका पड़ जा रहा है। तो हम चलते हैं गया और गया के सियासत की बात करते हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। गया में मैदान सज गया है क्योंकि गया में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीतन राम मांझी के नाम का ऐलान सबसे पहले हो गया था और बाद में कुमार सर्वजीत जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें भी सबसे पहले सिंबल मिल गया था। यानी गया का जो मैदान है सबसे पहले सज गया था। तो गया के मैदान में चलते हैं और वहां क्या हो रहा है थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी पिछले दिनों राम मंदिर पहुंचे, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद उन्होंने एक विवादित बयान भी दे दिया। मांझी ने खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताया और कहा कि मेरे नाम में तो खुद राम शामिल हैं। जीतन राम मांझी नाम है मेरा, तो राम तो मेरे नाम में है। और उन्होंने साथ ही साथ अगड़ी जातियों को लेकर विवादित बयान भी दे दिया और कहा कि जिस तरह हम अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं वैसे लोगों को भी अपने नाम में राम लगाना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कह दी। सियासत जीतन राम मांझी ने गर्म कर दी। हालांकि जिस तरह से जीतन राम मांझी राम को लेकर लगातार विवादित बयान देते रहे हैं पिछले दिनों भी, हमारा जो पुराना प्राचीन इतिहास है उसमें माता सबरी को हम लोग अपना मानते हैं, एंसेस्ट्रल लेडी माँ। और जब रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिया और रामचंद्र जी को उन्होंने सहारा दिया तो फिर रामचंद्र जी से हम लोगों का संबंध कैसे टूटेगा। इसलिए हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज़ और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को, जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं तो कैसा राम भक्त है। हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। वो लोग शर्मा सिंह आजाद क्यों जोड़ता है, वो लोग भी राम लिखे तब समझे कि राम के भक्त है। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे, दर्शन किया, बीजेपी के साथ अब जो हैं, तो ऐसे स्थिति में गया में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कुमार सर्वजीत ने बयान दे दिया, हमला बोल दिया। तो कुमार सर्वजीत जो लगातार अब इलेक्शन मोड में हैं, गया में बैठ के कर रहे हैं और बैठक की तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरेंद्र यादव भी मौजूद हैं जो जहानाबाद से उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। तो ऐसे में जो वहां बैठकों का दौर जारी है, कुमार सर्वजीत ने जब मांझी पर सवाल हुआ और जिस तरह से वो राम मंदिर गए हैं उस पर सवाल हुआ तो कुमार सर्वजीत ने क्या कहा, वो पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। देखिए, मांझी जी के लिए अयोध्या मंदिर है और इस देश के सभी जाति धर्मों के लिए मंदिर मस्जिद होता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है तो गया जिला की महान जनता है। हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई ईश्वर है तो गया जिला के सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अगर वो है तो धरती है, देश है, दुनिया है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अयोध्या के मंदिर पूजा करने जाते हैं, बहुत हमारे अभिभावक हैं, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्र भी तो तीर्थयात्रा का ही है
और हमारी उम्र जो है जनता के सामने हाथ फैलाने का है, हमारा ईश्वर जनता होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जनता मालिक होता है, और जनता ने मुझे अगर मैंडेट दिया तो अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाऊंगा और अयोध्या के अभी मंदिर में पूजा करूंगा मेरे लिए, और अगर गिरजा कहीं आप बता देंगे तो वहाँ भी हम पूजा प्रेयर कर लेंगे, हमारे लिए सब है। एक बात को समझिए, हम सिर्फ अयोध्या नहीं जा सकते हैं, इस देश में जितने जाति धर्म हैं हम इलेक्शन जीतने के बाद सभी जाति धर्मों के मंदिर में और मस्जिद में जाके हम प्रणाम करें। सर आपके पास तो जल्दी होने वाले जीतन अंबानी जी काल्पनिक बताने वाले राम भगवान को आप तुलना कर रहे हैं भगवान बुद्ध से, और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने छेड़ा, मैं बहुत बधाई देता हूँ, हमारे पिता तुल्य हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि दरभंगा मंदिर में गए तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने मंदिर धो दिया, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजा करा के ठगता है, उसके बाद हमने देखा कई तरह की उनकी भाषाएं होती हैं, उसमें हमें टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो मुझे संस्कार दिया है, हमारे पिता तुल्य हैं, यहाँ पिता तुल्य बैठे हैं, तो संस्कार इन लोगों ने क्या दिया मुझे कि सभी जाति धर्मों को प्यार और स्नेह देना है, मान और सम्मान देना है, मैं तो वही जानता हूँ। और फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर गया जिला के जनता ने मुझे मैंडेट दिया अयोध्या अजमेर शरीफ चर्च अब जो है काली मंदिर जितने प्रकार के इस देश में महान मंदिर हैं हम सब। तो कुमार सर्वजीत ने जो उम्मीदवार हैं बोधगया से फिलहाल विधायक हैं आरजेडी के, पर उन्हें टिकट दिया गया है, संसद के मैदान में उतारा गया है, चुनाव के मैदान में उतरे हैं, लोकसभा के लिए रेस में हैं, तो ऐसी स्थिति में कुमार सर्वजीत ने बड़ा हमला बोला है जीतन राम मांझी पे, और कहा है कि मैं जानता हूँ जो अगर मंदिर मस्जिद है तो सब कुछ यही है, गया की जो जनता है वही मेरे लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा है। तो जीतन राम मांझी के मंदिर वाले एक्शन पर, जी हाँ मंदिर जब जीतन राम मांझी गए तो उस पर कुमार सर्वजीत ने अब पलटवार कर दिया है और कहा है कि मंदिर मस्जिद सब यही है, यहाँ की जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, कहीं ना कहीं उन्होंने भाईचारा का संदेश दिया और जीतन राम मांझी पर हमला बोल दिया है। यानी अब गया में सियासत सज गई है, जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत की लड़ाई है, वैसे में अब वार पलटवार का दौर जारी है। मांझी ने अपना एक्शन लिया, मंदिर में दर्शन किया और कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव की शुरुआत की, अपने अभियान की, तो ऐसे में कुमार सर्वजीत ने भी पलटवार कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।